अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे वॉकिंग क्यों कर रही है, अभी तक स्लीपिंग क्यों नहीं कर रही शालू? अरे क्या डू कर रही है तू? हाँ, कब से इयर इन देयर वॉकिंग कर रही है, तो स्लीपिंग क्यों नहीं कर रही है? परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ चाची। क्या कर रही है शालू, कब से तेरा फोन रिंगिंग हो रहा है? तुझे लिस्टनिंग नहीं हो रहा है क्या? अरे इयररिंग में ऑयलिंग करना, कोई फोन कर रहा है तुझे? रोहन क्यों फोन डू कर रहा है? रोहन क्यों मुझे कॉल कर रहा है? अब इतने बड़े सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती ना, ये तो तू टॉकिंग करेगी तभी तो पता चलेगा ना, एड्रेस चलेगा कि वो फोन क्यों डू कर रहा है। उठाना फोन। हाँ हाँ चाची। हेलो रोहन, और ये टॉवर? मासी मैं लटकी हूँ, आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे घर में गीजर खराब हो गया था और आज हमने आटे की होली खेली, लक्ष्मण और डैड ने भी खेली और मैंने पारो ने भी खेली, हमें बहुत मजा आया। और आपको पता है लक्ष्मी माँ और डैड को ठंडी पानी सुनाना पड़ा, पर मैं लकी रो ने गर्म पानी सुनाया और पारो ने भी, हमें बहुत मजा आया। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ लक्ष्मी माँ और डैड को ठंड लग रही होगी ना, क्योंकि उन्होंने ठंडे पानी सुनाया। हेलो क्या वॉट हुआ? चाची पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी, और देखो फोन की बैटरी भी डाउन हो गई, मैं अभी चार्ज कर लेती हूँ। चाची क्या हुआ, आप सो जाइए ना। हाँ वैसे भी मुझे नींद कम हो रही है, मैं तो स्लीपिंग डू कर रही हूँ, और देर भी कितनी हो गई है ना? अभी देर नहीं हुई है। लेकिन भाभी आपने ही तो कहा कि ऋषि लक्ष्मी पारो रोहन सब एक साथ थे, वो हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक फैमिली की तरह खुश थे वो सब। खुशहाल परिवार दिखने का मतलब ये नहीं है कि खुशहाल परिवार है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुशहाल परिवार में ऋषि, मल्लिष्का और बच्चे होंगे, वो लक्ष्मी नहीं। तुम देखना लक्ष्मी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि ऋषि उसके बारे में सोचने लगेगा, उसकी तरफ झुकेगा, और ये मल्लिष्का के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, और फिर वो लक्ष्मी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि कोई चाहे या ना चाहे लक्ष्मी को पसंद करने लगेगा। दीप हम जानते हैं क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। मैं भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये कह सकती हूँ कि किस प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व करो अभी। हाँ भाभी, आई थिंक मैं पहले जाकर मल्लिष्का से बात करती हूँ। दी हम करिश्मा की हेल्प कर देते। अब हम भी नहीं सोचेंगे क्या सही है क्या गलत, वो लक्ष्मी भी तो नहीं सोचती। अब हम उससे उसी की भाषा में बात करेंगे, भले ही इस जंग को शुरू लक्ष्मी ने किया था, खत्म हम करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। ठंड लग रही है, कमाल है ऋषि भाई, ये ऐसे इतनी भीषण गर्मी में आपको ठंड क्यों लग रही है? ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। क्यों लेकिन क्यों ऋषि भाई? बर्फ पड़ गई, मुंबई में बर्फ पड़ गई? बर्फ नहीं पड़ गई, तू पर यार बर्फ नहीं पड़ गई, वो ठंडा पानी था, ठंडे पानी से ना क्या उसने, बहुत ठंड लग रही है। ग्लोबल वार्मिंग ऋषि भाई, मुझे बर्फ के पानी से नहाए क्यों ऋषि भाई, आपको इतनी गर्मी लग रही थी? बर्फ का पानी मतलब ठंडा चिल्ड वाटर यार, चिल्ड वाटर से नहा लिया मैंने। अब लेकिन क्यों ऋषि भाई, गीजर ऑन कर लेते यार। गीजर कैसे ऑन करता मैं? तुझे भी बोला था गीजर ठीक कराने के लिए, तुझे ठीक नहीं कराना, कोई आया नहीं अभी तक ठीक करने के लिए, इससे मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा यार। तो आपको पता होना चाहिए था ना ऋषि भाई की गीजर ठीक कराने का, सुबह आएंगे, आपने अभी नहाया क्यों? लक्ष्मी की वजह से। मतलब तू जानते ना लक्ष्मी को यार, वो कितना गुस्सा करती है बात बात में उसे, और अभी मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, और मैं चाह रहा था कि मैं जाके उसे सुनाऊं, लेकिन उल्टा उसने मुझे सुना दिया सब कुछ। उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे गया उसे समझाने के लिए। आप
आटा लग गया और दोनों आटा आटा हो गए, फिर आटे की होली हुई और उसके बाद आटा सर पे चला गया तो नहानी पड़ेगा ना मुझे। हंस ले, मजाक बना ले मेरा। ठंडे पानी से नहाओगे तो ठंड तो लगेगी है ना? हाँ कि ना? मतलब आपने सुन लिया था? तो फिर आपने फोन क्यों काटा? क्योंकि ये सीक्रेट है ना, हमारा सीक्रेट, तो हम किसी को भी कैसे बता सकते हैं ये? बुद्धू, रोहन तू भूल गया हमने क्या डिसाइड किया था? तू, मैं और शालू मासी, हम तीनों के बीच में ये बात रहेगी। हाँ हाँ, और मुझे ये भी याद है कि आटा गिरने से पहले लक्ष्मी माँ और डैड बहुत लड़ रहे थे, है ना पारो? हाँ मासी, हमने देखा। पर मासी, वो दोनों ऐसे लड़ेंगे तो वो दोनों दोस्त कैसे बनेंगे? पर देखो, हम जो चाहते थे ना, जैसी शुरुआत चाहते थे वो तो हो गई। दी और जीजू दोनों एक ही छत के नीचे, एक साथ एक ही घर में। हाँ वो तो है। हाँ पर तभी वो लोग लड़ रहे हैं ना। अरे उन दोनों की लड़ने की टेंशन तुम मत लो बुद्धू। अरे मासी, हमें तो टेंशन लेनी पड़ेगी ना, वरना वो लोग लड़ते रहेंगे, तुम लोग की फ्रेंडशिप कैसे होगी? वही तो, हमें तो उनकी बट्टी करवानी है पर वो तो कट्टी करके बैठ गए। मैं तुम दोनों को आसान भाषा में समझाती हूँ। अभी ना वो लोग दोनों एक साथ है, एक ही घर में, तो अगर वो लोग लड़ाई कर भी रहे तो उनको करने दो, क्योंकि वो लोग नाराज होके अलग अलग घर में तो जा नहीं सकते। तो वो लोग एक साथ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग एक दूसरे से नाराज ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखा रोहन, मेरी मासी होशियार है, वो छुप पे गई है। जी, थैंक यू मासी, आपने हमें समझाया, आपने हमें बताया हमें क्या करना है, थैंक यू। इसकी शुरुआत तो तुम दोनों ने ही किया, तो देखना हम अपनी मिशन में जरूर कामयाब होंगे। हाँ, डैड को मनाएंगे। दिया और भांति जीवन साथी। नहीं, कभी नहीं, ऋषि और लक्ष्मी जीवन साथी कभी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं। मलिष्का तुम, मासी प्लीज, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकती। मलिष्का तुम्हें लक्ष्मी को लाइटली नहीं लेना है। आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं उससे। हम डरे नहीं हैं मलिष्का, हम अलर्ट हैं। अब की बार हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम सतर्क हैं बस। नहीं, अब सबसे पहले उन दोनों को दूर करना होगा, अलग करना होगा एक दूसरे से। हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके दिल में अभी भी उस लक्ष्मी के लिए फीलिंग्स हैं, और ऐसा ही लक्ष्मी के साथ भी है, और क्यों नहीं होगा? हमारा बेटा है ही इतना अच्छा, बेस्ट है वो, उससे अच्छा लड़का दुनिया में मिल ही नहीं सकता, और इसीलिए लक्ष्मी का झुकाव अब भी है हमारे बेटे की तरफ। लेकिन अब ऋषि का झुकाव भी लक्ष्मी की तरफ और ज्यादा हो सकता है, और इसका कारण है पारो। लक्ष्मी पारो की मां है, और इस वजह से ऋषि का झुकाव लक्ष्मी की तरफ और बढ़ सकता है। ये बात तो हमारे दिमाग में पहले आई ही नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।